हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज नलिन भट्ट। और आज का मौसम है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कल हुई थी बारिश तो आज धूप नहीं है और चिल मौसम है आज, जैसा बारिश में होता है। सो आई एम रियली हैप्पी। अभी मैं बैठा हूँ एच ब्लॉक के बगल में। तो यार अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ वाइज इंजीनियरिंग हार्ड। ये वीडियो थोड़ी सी मेरे बाकी वीडियो से थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी और यार थोड़ी सी हार्श बातें हो सकता है करूँ मैं तो इफ़ यू आर कमज़ोर दिल के हो तो मत देखो। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने सोचा था कि बोलने लायक हैं, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी फ़िलोसफी है, ये असल में आया है क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ फोर्थ ईयर में। तो इन इतने सालों में जितना भी मैंने पीएचडी स्कॉलर्स के साथ प्रोजेक्ट्स करे हैं, स्टार्टअप्स के साथ मेरी बात हुई है, जो मैंने सारे मेरे ऑलमोस्ट कोर सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं और मैंने काफ़ी सारे खुद प्रोजेक्ट्स करे हैं, बुक्स पढ़ी, काफ़ी सोच विचार करा, रियलाइजेशन हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, इसके बेसिस में जो मैं आपको निष्कर्ष दूंगा, जो जॉइनिंग द डॉट्स के बाद जो फेज़ आता है वॉली फेज में हूँ इंजीनियरिंग एजुकेशन के, तो मैं उस बारे में अपना कुछ व्यूज शेयर करना चाहता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड। आहा, ताज़ी ताज़ी हवा, वाह। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखो रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है ना, हार्ड डिफिकल्ट सही गलत कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। तो देखो जो इंडियन स्टोरी जो है, इंडिया का इंजीनियरिंग सिनेरियो जो है, उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। अगर आप 2022 में हैं और कॉलेज में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि 2022 ईयर्स के हैं अगर आप, तो आपके पेरेंट्स भी मोस्ट प्रोबेबली जनरेशन एक्स के होंगे। जनरेशन एक्स मतलब होता है वो लोग जो 1965 से 1985 के बीच में पैदा हुए थे, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है, वो जो ज़माना था ना बहुत हार्श था। उस ज़माने के लोगों ने जो इंडिया देखा है वो काफ़ी हार्श सिचुएशन में था। देखो जब सिचुएशन हार्श रहती, बेसिकली मेरे कहने का मतलब पैसे की बहुत तंगी थी, इंडिपेंडेंस अभी रिसेंटली हुई थी 1947 में, तो इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी जॉब्स नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो इस वजह से होता क्या था कि उस टाइम पे जॉबलेसनेस और पॉवर्टी बहुत हाई थी। तो देखो ऐसा होता है ना, जब इंसान गरीब होता है तब वो क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और बाकी प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि पेट कैसे भरा जाए और दूसरा सोशल स्टेटस कैसे ठीक ठाक रहे। तो मैक्सिमम पेरेंट्स की साइकोलॉजी जो है उनकी गलती नहीं है, बस सिचुएशन ने वैसे ही बनाया, ठीक है। तो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली फिलॉसफी है, वे ऑफ लिविंग है, वही फिलॉसफी वो अपने बच्चों में भी डालते हैं। हालांकि काफ़ी पेरेंट्स या फिर इंडिया उस फेस से काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन काइंड ऑफ वो जो एक ब्लूप्रिंट जैसा रहता है ना, थोड़ा सा एक काली स्याही जो है उस साइकोलॉजी की अभी भी ज़िंदा है और हम सबके माइंड में है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या होता है, जब बच्चा इंजीनियरिंग करने आता है तो वो क्रिएटिविटी और इन सब चीज़ों के लिए नहीं आता है, वो केवल एक जॉब पाने आता है, जिसकी वजह से जो एक रिगर होता है ना, लव फॉर द सब्जेक्ट जो होता है ख़त्म हो जाता है। और इसलिए आप देखते हो कि कॉलेज में बच्चे निपटाने वाली मेंटालिटी में आ जाता है कि एग्ज़ाम लास्ट नाइट में निपटा देंगे, ये सब्जेक्ट निपटाना है, ये सब्जेक्ट हार्ड है इसको निपटाना है, जबकि कोर सब्जेक्ट्स में भी ऐसे करते हैं। आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, अभी तमिलनाडु में है मेरा कॉलेज, तो रीसेंट न्यूज़ है कि 71,000 इंजीनियरिंग सीट्स तमिलनाडु में इस साल खाली रही, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि लोग इंजीनियरिंग को मतलब बेफालतू में इंजीनियरिंग में नहीं घुस रहे हैं, बाकी करियर ऑप्शंस में जा रहे हैं। आजकल के टाइम में तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। हाँ जी, तो पहली प्रॉब्लम यही है कि क्रिएटिव मेंटालिटी नहीं है और बहुत ही मतलब निपटाने वाली मेंटालिटी है। और दूसरी चीज़, आप किसी सीनियर से बात करोगे जो पास आउट हो चुके हैं, मेजॉरिटी का ये रहता है कि कॉलेज में सबसे फ़न चीज़ क्या थी, मतलब किस चीज़ जो सबसे वर्थ फाइल लगा उन्हें। रेयरली कोई आपको ऐसा सीनियर मिलेगा जो बोलेगा कि इंजीनियरिंग में जो एक्चुअल चीज़ करना आया था उसमें उनको कुछ वर्थ फाइल फील आया। जनरली उनका ये रहता है कि हम दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करी, इतने रिलेशनशिप्स थे, ये था वो था, ऐसा ऐसा, मतलब इंजीनियरिंग जो मेन चीज़ है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ करा। तो देखो ये दर्शाता है कि किसी चीज़ के पीछे आपने 4, 8, 10 साल लगा रखे हैं और आपको मेन चीज़ का अभी तक फील नहीं आया, तो ये बहुत गलत मेंटेलिटी है। इस चीज़ से कृपया आप खुद को बचाएं। कबूम, चेंज ऑफ लोकेशन। हाँ, तो दूसरी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है ना, दूसरी मेरे ख्याल से सबसे पहली बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही रहती है, जो मेरी भी थी और आपकी भी रही होगी, कि यार इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सब थ्योरी क्यों है भाई। तो देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब फ्रस्ट्रेट और सीरियस वाला फ्रस्ट्रेशन नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि यार इतने ज़्यादा, मतलब मैं स्कूल में पढ़ के आया हूँ, मुझे लगा था इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे और पता नहीं क्या करेंगे, क्या क्या जो एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे मज़ेदार से, लेकिन ना वैसे नहीं हुआ। तो अब मैं लुक बैक करता हूँ, मुझे समझ में आया कि
किसी भी चीज़ में, नॉट जस्ट इन इंजीनियरिंग, किसी भी चीज़ में अगर आपको हाई लेवल पर जाना होता है ना, तो जो आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल, इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि हाई लेवल रिसर्च पेपर्स आप देखोगे या कुछ भी आप नया बनाने जाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लगती हैं। मतलब अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है थ्योरी की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखो, अगर आप कॉलेज में घुस चुके हो तो अब आप कॉलेज को ब्लेम करना छोड़ दो अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करो यार। अश्विनी ग्रोवर स्टाइल में बोलते हैं, ये सब ना दोगलापन है, मैं तुम्हारा दोगलापन उतारता हूँ। अभी कॉलेज आने से पहले ना सारी पॉलिसीज और पूरा करिकुलम ऑनलाइन अवेलेबल था, तुमने नहीं देखा, तुम्हारी गलती है। ठीक है, थोड़ी अजीब सी एक्टिंग हो गई, बट मैसेज पहुँच गया ना ब्रो। देखो, आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। इस साल मेरे कॉलेज तमिलनाडु में, तो इस साल तमिलनाडु में 71,000 इंजीनियरिंग सीट्स खाली रही, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि लोग बेफालतू में इंजीनियरिंग में नहीं घुस रहे हैं। देखो, आज के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंजीनियरिंग में, तभी आएँ अगर आपको वाई गॉड पैशन है तगड़ा वाला। और टेंशन मत लो, ये जितने भी कैलकुलेशंस हैं आप पढ़ रहे हो कैलकुलस, ये सब काम आएंगी जब आप रिसर्च करने बैठोगे। देखो, जो कॉलेज का करिकुलम होता है ना, वो ऐसे डिज़ाइन करा जाता है एक रिसर्चर को माइंड में रख के। मतलब कॉलेज का जो करिकुलम होता है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि कॉलेज के बाद, जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली, तो आप कॉलेज के बाद किसी R&D में या रिसर्च में काम कर रहे हो। बेसिकली रिसर्चर के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि दुनिया को अभी इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो उस हिसाब से देखो, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। और जी हाँ, ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह की देखनी पड़ेगी। एक टिप मैं आपको देता हूँ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और ये समझने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है ना, 15-20 मिनट का काम है, आप थोड़ा ये देख लो कि ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये कहाँ से आए, किसने बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, और इससे रिलेटेड एक आधा रिसर्च टॉपिक्स देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10-10 घंटा करोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे ना आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और देखो, इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं बनता। इंजीनियरिंग बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग बाय डेफिनेशन होता है कि आप अपनी साइंस और मैथ्स की नॉलेज से सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इन सच ए वे कि किसी का जान माल का नुकसान भी नहीं हो रहा है और सेफ्टी इकोनॉमिकल है। इसलिए जब आप पढ़ोगे तो केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं बनेगा, आपको ये भी देखना होगा कि लोग उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और जब आप कुछ नया डिज़ाइन करने बैठोगे आप कैसे अप्लाई करोगे। बिकॉज एज एन इंजीनियर, अगर आप एक ऑपरेटर की तरह भी काम कर रहे हो, यू शुड नो कि डिज़ाइन ऐसा ही क्यों करा गया है, मशीन ऐसी ही क्यों बनाई गई है, वैसे क्यों नहीं बनाई गई, इसमें क्या क्या आइट्रेशंस करने चाहिए, ये सब आपको होना चाहिए। दिस इज़ बाय डेफिनेशन आपको एज एन इंजीनियर पता होना चाहिए, वरना एक मिस्त्री, यानी कि इंग्लिश में इसको मेसन बोलते हैं, और एक इंजीनियर में कोई अंतर नहीं होगा। बेसिकली मिस्त्री बेयरली पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उनको वो घर वर बना देते हैं। कुछ लोग और भी बोलते हैं कि कैलकुलेशंस काम नहीं आती, हमें बेफालतू में स्कूल में अलजेब्रा वगैरह पढ़ा दिए, लेकिन जहाँ तक इंजीनियर्स की बात है, कैलकुलेशन बहुत काम आती है। आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस मीडिया को कंज्यूम कर रहे हो, जिस घर में आप बैठे हो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहा हूँ, वो सब कैलकुलेशंस के बेसिस पे ही डिज़ाइन करा गया था, यूँ ही नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो इन दी एंड में ये कहना चाहूँगा कि इट ऑल बॉयल्स डाउन टू योर साइकोलॉजी। अगर आप मानोगे हार्ड है, आपके लिए हार्ड बन जाएगा। अगर आप मानोगे आसान है, डूएबल है, इन्जॉयबल है, तो आपके लिए इन्जॉयबल बन जाएगा। जितने भी ग्रेट जीनियसेस होते हैं उन सब ने इन्जॉय करा था। पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, स्टीव जॉब्स, जिनका भी आप उठा लो, देवर नेवर लाइक हमें निपटाना है। तो आप भी निपटाने वाली मेंटालिटी में ना जाए, बिल्कुल पैशन के साथ करें, बिल्कुल आग लगा दें भाई, मज़ा आना चाहिए ना, आपको भी तो मज़ा आना चाहिए, बी अ मैन ऑफ टेस्ट। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।